हम आज तक बीजेपी ला किसी को ना, केवल एक बार मुलायम सिंह को दिया था, अब की तो न दे भाई। 5 किलो राशन दे करके पता नहीं कितने तरीके से वो 5 किलो की जगह पे हजारों गुना ज्यादा वसूला जा रहा है हम लोगों से। हमारे गांव में तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी एक तरफा वोट गिरता था, लेकिन अब की आधा वोट नहीं मिलेगा। क्या नाम हो चाचा आपका? राम भरोसा सिंह। राम जी ये बताइए, महंगाई लग रही? हाँ महंगाई बहुत है हर चीज की। चुनाव आने वाला? हाँ चुनाव वाले अल्लाह, तभी तो महंगाई की कोई सीमा नहीं हो, महंगाई होते जा रही है, लिमिट के बाहर हो गई। अरे सर लिमिट क्रॉस हो गई है महंगाई का तो मतलब पूरी पब्लिक इतना त्रस्त है कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। क्या होगा इस बार लग रहा? अब क्या बताएं साहब, क्या होगा, पैसे में तो गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है। मर रहा है? बिल्कुल पिस रहा है साहब। बताइए खाने वाला तेल साला 200 रुपये किलो बिक गया, मतलब डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब आदमी को तो जीना दुश्वार है। सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब साहब हम कहा बताइए, तो आप सभी लोग देख रहे हो कि सरकार कहा कर रही है। सरकार हम माने चाहे जितना अच्छा काम करते हो, लेकिन गरीब आदमी के लिए कहा कि नहीं, गरीब आदमी के लिए राशन दे रहे हैं, राशन ना दे, राशन देने तो गलत है, राशन दे के तो कायर बना रही है पब्लिक के यहाँ। अरे कुछ ऐसा करे जितने पब्लिक का कुछ रोजगार मिले, कोनो मतलब ऐसे काम करे जितने कि हाँ हम लोगों ने 4 पैसा रोजी रोटी मिले, राशन मिला और महीना भर हम 1000 रुपये वहमा ले लें, इनकम टैक्स के लिए वहमा दो हर चीज़ में, यहाँ कम से कम 2-4-5 सौ महीना में, यहाँ कम से कम ही क्या देख पड़ती हुई, देख नहीं पड़ते हैं। अभी तक आप किस पार्टी को वोट करते हैं? अभी तक मैं बीजेपी का करता था, हमेशा बीजेपी आज तक किया है, अब लेकिन नहीं, हमेशा की बीजेपी के पक्के भक्त रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी ऐसा नहीं, हम बीजेपी के से नाखुश नहीं, लेकिन जो महंगाई है इस महंगाई से हम नाराज हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के पक्के भक्त रहे हैं तो इस महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, इसके बाद क्या लगेगा? अब साहब हम कहा बताइए कहा लगा, अब देखो भाई कहा होते हैं, लेकिन हमने आज तक आने वाला विधानसभा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हाँ साहब नेता लोग तो कर रहे हैं पार्टी, लेकिन हम लोगों ने कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब तो चुनाव बड़ा परिवर्तन बदल ली, देखो चाहे बीजेपी को, हम आज तक बीजेपी ला किसी को ना, केवल एक बार मुलायम सिंह को दिया था, वह अगले ने कह दिया था तुम्हारा घर बीजेपी में जाए, मुलायम के में जाए, हमका बिल्कुल जाए, तब 15 रुपये कटा दिन रहा है। हाँ तब दिन रहा है, बाकी नहीं बीजेपी में दे देते हैं। अब की तो ना दे भाई, हाँ नहीं अब की नहीं दे भाई, होते सब जान ले है हम लोग, हाँ सब मालूम हो गया कोलकाता करते। अच्छी नहीं पार्टी, बात यह है 5 किलो राशन मिलता है, महंगाई इतनी है, महीना में 1000 रुपये उससे ज़्यादा ले लेते हैं लोग, अब रात तक कितना कौन हिमा भाई। एक चाचा ये हैं दोनों लोग बता रहे हैं कि हम बीजेपी के पक्के भक्त हैं, हमेशा बीजेपी को वोट किए हैं, एक बार मुलायम सिंह को भी दिए, लेकिन अब की कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसके पीछे का कारण महंगाई। बिल्कुल साहब 5 किलो राशन दे करके पता नहीं कितने तरीके से वो 5 किलो की जगह पर हजारों गुना ज़्यादा वसूला जा रहा है हम लोगों से। 5 किलो राशन देना वो ना दें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये महंगाई कम करें साहब। जो चीज़ें दे रहे हैं ना दें, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दें जी, सरसों का तेल सस्ता कर, चला लेगा इंसान अपनी जीविका अपने हिसाब से चला लेगा, लेकिन ये फ्री का देना बंद करें, फ्री का दे करके कम से कम रोजगार दें जी। हमारा ये कहने का मतलब है कि कुछ रोजगार दें, किसी कोई ऐसा प्रोत्साहन वाला काम करें जिससे कि हाँ जो गरीब आदमी है रोजी रोटी कमा सके, अपने अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये फ्री का दे करके क्या मतलब हम लोगों को, मतलब राशन पानी कुछ भी ना दे, मेन चीज सबसे मुद्दा ये जानवर अपने बंधवा ले, बाकी कोई जरूरत नहीं है, केवल ये सबसे दिक्कत तरीके से मरा हुआ है। डीजल वो महंगा है, खाद वो महंगी है, सब जानवर छूटे पड़े वो नुकसान करते हैं, और किसान का अनाज कभी महंगा नहीं होता है, किसान का अनाज कभी महंगा साहब नहीं होता है, बाकी हर चीज़ महंगी हो जाती है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी है। सरकार बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है, जनता परेशान है, हर चीज़ में परेशान है, महंगाई तो खा जा रही है, गेहूं अनाज जो भी है सब सस्ता बिक रहा है, और सरकार की चीज़ महंगी बिक रही, 100 रुपये में पेट्रोल हम लोग खरीद रहे हैं, गरीब आदमी मजदूरी करें कि बच्चों की जिलाएँ। अब भी हमारे पे कोई मुसीबत पड़ती है तो पुलिस थाना कोई सुनती नहीं है, सरकार किस काम की ऐसी सरकार हमारे लिए, 15 रुपये से ऊपर नहीं बिका है, और थैली में आटा लेके आओ 25 रुपये नीचे नहीं मिलेगा, 25 रुपये कहीं छूट नहीं है, मिला 30 रुपये, 25 नहीं 30 का आटा पीसा जा रहा है, पन्नी में पैक 2.5 रुपये किलो गेहूँ आटा पीसा जा रहा है चकिया पर, 2.5 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो पिसाई ली जा रही, और प्लस 50 ग्राम कटौती की जाती है आटे की, 1 किलो में 50 किलो जाता है। सुनिए
इससे अच्छी सरकार सपा की थी, जो हर बिरादर को जो है मान सम्मान दिया जाता था। मान सम्मान नहीं, कोई मान सम्मान नहीं है, किसी का मान सम्मान नहीं है। महंगाई का मान सम्मान, महंगाई का मान सम्मान मोदी जी अपने लायक कर रहे हैं, खूब दबा करके। हम लोग को बिल्कुल हर चीज से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग परेशान हैं। आम हमारा कूड़े का भाव बिक रहा है, गेहूं हम लोग हमारा बिक रहा है तो वो भी कूड़े का भाव बिक रहा है। तुम्हारा पेट्रोल महंगा है, तुम्हारी जो है कोई भी कहीं जाते हैं तो हमको हर जगह दिक्कत होती है। ऐसी सरकार किस काम की है? अब आपकी बारे कौन महंगा है? तेल, कड़ुआ तेल महंगा, बताओ 200 रुपए किलो बिक रहा है, का चाहिए? सरकार तो बता रहे हो बढ़िया है। तो बढ़िया सब जगह बढ़िया है, कैसे बता रहे हो कि कड़ुआ बढ़िया है? कमियां भी हैं, इसी बात नहीं, सरकार में कमियां भी। हरीश है, आप लोग जो है इस पे कुछ सहयोग करिए, हम लोग का जीने का रास्ता दिखाइए, बस हमारा कहना है। जीने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल जीने में दिक्कत है सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर हमारे घर पे कोई परेशानी आ जाए तो किसी 10 रुपया मांगने जाओ तो आदमी जनता इतना परेशान है तो वो हमको कहाँ से देगी? आप बताइए, मजदूरी करने जाते हैं, वापस आते हैं लखनऊ से। हम लोग लोकल ट्रेन चलती थी लखनऊ कानपुर के बीच में, वो बंद कर दी गया, 3 साल से ऊपर हो रहा है। वो ट्रेन चलती थी, हजारों आदमी की रोजी रोटी चलती थी, आदमी लखनऊ जाता था, कुछ आदमी कानपुर जाता था अपना, नहीं कोई मजदूरी करके आ जाता, शाम तक 200-300 कमा के लाता था। ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया, प्लस वो ट्रेनें बंद कर दी। अब आदमी कहीं मजदूरी करने भी नहीं जा पा रहा, यही मर रहा है गाँव घर में अपने। देखिए 1600 रुपए की टिकट मैंने निकाली मुंबई की, 1150 रुपए हमको अभी मिला रिटर्न करने पे। ये देखिए मेरे पास आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, मैं अभी भी लगभग 400 रुपए आपके कट गए। 400 रुपए हमारे भी दुकान वाले ने काटा है, ये मेरे और मेरे बच्चे की जो है दोनों टिकट थी और इसमें जो है 400 रुपए काट लिए गए। बताओ हम गरीब आदमी गेहूं बेच करके टिकट निकाला था, 400 कट गया, अब कहाँ जाएं हम? बम्बई कैसे पहुँचे, कैसे मजदूरी करेंगे जा करके? मजदूर आदमी कहीं से दिक्कत हो रही है। चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हम मोहान तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सरकार कहीं चल रही। अरे सरकार कैसी चल रही, बहुत सरकार तो गरीबों को मारे डाल रही हो। परेशान है गरीब? बहुत ज़्यादा परेशान। योगी जी रिपीट नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। योगी जी का मुश्किल है बनना दोबारा? अब दोबारा तो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्यों गरीब बहुत परेशान है। इतनी महंगाई नहीं देखी और इतनी परेशानी गरीबों पर जो आई है, ये पहले आप कभी नहीं देखे? नहीं कभी नहीं। 50 साल के ऊपर उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 साल की। 60 साल की, इस 60 सालों में आपने बहुत सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की भी देखी होगी, जनता पार्टी की भी देखी होगी, सब तरह की। इतनी परेशानी जो दिखाई दी है इस सरकार में कभी नहीं दिखाई दी। समस्या कभी नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले आप बीजेपी को वोट करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल किया है, किया नहीं तो आखिर सभी लोग सहमत थे। हमारा बीजेपी का गढ़ है, बल्कि ये बीजेपी का गढ़ है, हम खड़े हैं। जी हाँ, बीजेपी का है सब। हाँ, तरह पब्लिक परेशान है कि बीजेपी की बुराई क्यों कर रही है, कारण ये है गरीब परेशान। बीजेपी के गढ़ में हम खड़े हैं और चाचा बता रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ के लोग बीजेपी की बुराई कर रहे हैं और कारण ये है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं। बीजेपी भाई खड़ा हुआ है, जितना बीजेपी के लोग बिल्कुल। अगर हम जो है पुलिस से सहायता लेते हैं, हमको अभी हमारे लिए खतरा अभी बना है तो पुलिस हमारे टाइम पे नहीं पहुंचती है। आप ये बताइए कि जो है इस सरकार में हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमको दुश्मन जान से मार दे, पता चला पुलिस पहुंच रही 3 घंटे बाद, तो इस सरकार से हमको क्या लेना देना? ऐसा इस सरकार से बेसरकार हम लोग ऐसे कमा खा लेंगे फिर ठीक है। मतलब ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से पिछली बार बीजेपी को काफ़ी उड़ गया होगा? हाँ, बीजेपी का वोट काफ़ी आ गए और हमारे गांव में तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी एक तरफा वोट गिरता था, लेकिन अब की आधा वोट नहीं मिलेगा। आधा वोट नहीं मिलेगा? अब की नहीं मिलेगा, आधा वोट नहीं मिलेगा हमारे गांव से। क्यों? महंगाई के कारण? और कुछ मेन चीज़ बस महंगाई ही। तो महंगाई की वजह से बीजेपी के गढ़ में जहां पर हम खड़े हैं यहां बता रहे हैं आधा वोट भी नहीं मिलेगा, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल साहब, महंगाई से हम। हमारा क्या नाम? सुधीर। सुधीर ये बताओ, सब लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी के लोग ज़्यादा रहते हैं, बीजेपी को वोट करते थे, इस बार ऐसा है? हाँ तो है, महंगाई है इसलिए है ये ऐसा। नाराज़ हैं लोग बीजेपी? हाँ बस महंगाई के लिए, और कोई दिक्कत नहीं जाती महंगाई। हाँ बस महंगाई के लिए, डीजल पेट्रोल ये सब। कहीं ना कहीं जो सरकार लोगों को योजनाएँ दे रही है, जो मुफ्त राशन दे रही है, इसके अलावा जो सुविधाएँ दे रही है, उससे लोग खुश नहीं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राशन बंद कर देना चाहिए, फ्री बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो है महंगाई कम कर दे सरकार, यही मांग है। राशन से सर हम लोग को कोई जो है वो नहीं है, राशन ना देगी तो हम लोग को जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी महंगाई कम करें, हम लोग को जो जीने का रास्ता दिखाए। पेट्रोल
डीजल कम से कम 60-65 में मिलेगा तो कुछ। जी 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 जी।